McAfee Edge World. हाय गाइस, मैं हूं शोभित और यह है कौस्तुब. और कौस्तुब अभी वीआईटी वेल्लोर से कंप्यूटर साइंस कर रहा है, लेकिन आपको ये जान करके दुख होगा कि इसने बिट्स गोवा की सीट जो है वो ऑलमोस्ट छोड़ दिया, इसके यहाँ से निकल गई. क्योंकि 14 नवंबर को उसका ये था, 14 नवंबर उसका लास्ट डेट था और इसके पास मेल 13 नवंबर की इवनिंग में मिला, जिसकी वजह से उसको देख ही नहीं पाया और नेक्स्ट डे इसके यहाँ से वो सीट निकल गई. इलेक्ट्रिकल मिल सकता था, मैकेनिकल पहले मिल रहा था. सो मतलब मैं मान सकता हूँ कि इसको बिट्स गोवा मिल रहा था और इसने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है, छूट गया इसके यहाँ से. बट इट्स ओके, कॉलेज उतना मैटर नहीं करता, 4 साल के बाद अपने आप कहीं ना कहीं पहुँचेंगे. सो गाइज, ये वो स्टूडेंट है जो हमारे साथ 2 साल नहीं पढ़ा, लेकिन बिल्कुल लास्ट में नवंबर में इन्होंने ज्वाइन किया था. तो अब हम ये पता करेंगे कि नवंबर से लेकर के अब तक क्या डिफरेंस फील किया तुमने यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा तो पर्सनल अटेंशन मिला कि बैचेस छोटे थे तो एक एक को पर्सनल अटेंशन काफ़ी मिला था. प्लस फ्लॉज तो पॉइंट आउट हुए थे, लेकिन फिर एग्ज़ाम लिखते लिखते जब मार्क्स आए थे तो फिर सब्जेक्ट वाइज उसका एनालिसिस करने को बोला गया हम लोग को. तो सब्जेक्ट वाइज, फिर क्वेश्चन वाइज, कौन से टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रहे हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस में तुम अच्छे कर रहे हो, तो उसको थोड़ा छोड़ के जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है उसको करो, या फिर कोई सब्जेक्ट में स्लैक ऑफ हो रहा है तो वो करो. वो सब अच्छे से पॉइंट आउट हुआ था, जिसकी वजह से स्कोर में इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी हुआ है. मतलब वो बीच में जो एक बार पीयूष ने किया था यहाँ पे सारे बच्चों को बुला करके, दूसरे टीचर्स ने किया था, जिसमें हम देखते थे कि मीडियम है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और उसके बाद टॉपिक वाइज वो सब का एनालिसिस किया, तो फिर वो काफी हेल्पफुल था. प्लस जो आप इम्प्रूव सेशंस बोलते हो और मेडिटेशन होता है, प्लानर बनाना होता है, ओथ बनाना होता है, वो सब भी काफी हेल्पफुल था. मतलब स्टार्टिंग में लगता है कि यार ये सब क्यों कर रहे हैं, मतलब बचपन से नहीं किया तो अभी तक बचपन से नहीं किया, फॉर्मेलिटी लगती होगी, फॉर्मेलिटी लगता है. लेकिन फिर वो करने के बाद एक्चुअली नोटिस होता है कि हाँ, थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, कुछ करने का विल आ रहा है. या फिर अगर लग रहा है कि अभी नहीं करना है, मूड नहीं है, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली आ जाता है कि हाँ, मेरा ये बहुत है, ये मेरा गोल है, मेरे को लाना है, अचीव करना है, अचीव करना है, कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज उसके साथ अटैच कर लेते हैं. सो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अब जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं वो भी बिल्कुल सेम उसी माइंडसेट के होंगे, जिनको लग रहा होगा कि यार ये ओथ क्या क्यों कर रहे हैं, विजुलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, मेडिटेशन, अगर तुम्हें उनको एक मैसेज दे रहा हो तो तुम क्या बताओगे उनको. तो बेसिकली बोलूँगा कि स्टार्टिंग में तो लगेगा ही कि हाँ ये क्यों कर रहे हैं, मतलब नहीं करना चाहिए ये सब, बचपन से नहीं कर रहे हैं, बट कर रहा हूँ. मतलब स्टार्टिंग में लगेगा कि हाँ यार थोड़ा अजीब है, बट करने पे तुम लोग को एक्चुअली दिखेगा. लाइक ट्राई कर लो एक बार, थोड़े टाइम के बाद दिखेगा. हाँ, थोड़े टाइम के बाद दिखेगा, लेकिन खुद को दिखेगा एक टाइम तक कि फोकस, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेडिटेशन से फोकस स्ट्रांग हो जाता है, या ओथ एंड विजुलाइजेशन तुम्हें अपने गोल के साथ में हमेशा अटैच करके रखते हैं. तो ये हाँ, ये जनरली होता है, क्योंकि जब आप कुछ काम कर रहे हो ना, कई बार लगता है यार ये बोरिंग है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत स्ट्रेंज है, हमने आज तक कभी किया नहीं, ये तो सब ऐसा है कि नाटक नाटक की जैसा, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट ज़रूर दिखाई पड़ता है और वो टाइम के साथ ही दिखाई पड़ता है. एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? पैंडेमिक के टाइम पे थोड़ा सेल्फ स्टडी कर लेना चाहिए, मतलब स्लैक ऑफ मत हो. इसके बाद एग्जाम कब होगा, हम लोग के टाइम पे तो अनप्रिडिक्टेबल था. तो मैंने थोड़ा सा स्लैक ऑफ किया, लेकिन फिर एंड के 2 महीने में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर इट हेल्प्स. ये तो श्योर सी बात है यार, डेफिनेटली ना, सेल्फ स्टडी तो हमेशा काम करती है. एक चीज़ हमेशा याद रखो यार, आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे होंगे, उनके बहुत सारे रिजल्ट्स देखे होंगे, टॉपर देखे होंगे, टॉप 10 देखे होंगे, लेकिन हर जगह जो मुझे लगता है वो ये है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी केवल 20% हेल्प कर सकता है, रिमेनिंग 80% सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है. सो चलो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, आगे फ्यूचर में भी हम लोग मिलते रहेंगे. थैंक यू सर.